यहाँ पे रावण बन रहे हैं। कितने फुट के भैया ये? पाँच से छह फुट का रावण है। उसका प्राइस क्या स्टार्टिंग? 1000 रुपए से स्टार्टिंग है भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ सुभाष नगर। और तो गाइस, अभी दशहरा आने वाला है तो आप लोगों को रावण वगैरह चाहिए होंगे, तो मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सुभाष नगर में आया हूँ, तो आज मैं आया हूँ भैया के घर पे, क्योंकि बाहर मना कर रखा, अलाउड नहीं है बाहर बनाना। तो मैं आया हूँ घर पर और घर पर रावण बना रहे भैया। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5-6 फुट के रावण, तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। और बड़े रावण इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि कोरोना की वजह से, तो अभी छोटे रावण बना रहे हैं। तो आप लोगों को मैं सब एक्सप्लोर कराऊंगा और दिखाऊंगा। चलो आओ मेरे साथ, चलो आप और साथ में देखिए भाई, और बिना स्किप करें। और ये है छाती, और ये है कम से कम 5-6 फुट का होगा इसके पैर वगैरह लग के। और ये कुछ बन रहे हैं अभी, तो इसको अभी धूप के लिए सेकने के लिए, धूप सेकने के लिए रख रखा है क्योंकि ये सूख जाए। और आगे भी है रावण, तो ये वाला तो बन गया है पूरा, बस इसके पैर वैर लगाने हैं। और भी है यहाँ पे, इसका बस फेस ऊपर का, बस फेस ही अभी वो हुआ है कवर अप, और बाकी नीचे का रह गया थोड़ा। अच्छा, ये क्या है? ये पेपर है। ये पेपर है, तो ये क्या है? ये लवी है। लवी, उसको मतलब कवर अप कर रहे हैं। और कितनी देर में सूख जाता है? इसको 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं सूखने में, मगर धूप में रखेंगे जब ही सूखेगा। यहाँ अच्छा, जो भी है मतलब पटाखे वटाखे आप ही डालते हो सब? नहीं नहीं, वो कहीं भेजते हो? हाँ, कस्टमर के होते हैं। अच्छा, कस्टमर के होते हैं? खाली रावण रावण। अच्छा, रावण रावण भेजते हो? तो इसके अभी पैर वगैरह कहाँ हैं? पाँव वगैरह रखे हैं ऊपर। ऊपर रखे हैं? हाँ, अभी पेपर नहीं चढ़ाऊंगा। तो ये इसमें भी, ये इसके पाँव वगैरह है, तो अभी इसमें पेपर नहीं चढ़ा है। सबसे ऊपर है तो भैया, जैसे कि कोई आएगा तो आप डिस्काउंट वगैरह दे दोगे ना? हाँ, डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा आपको। और ये है रूम, और यहाँ पे छोटे रावण बन रहे हैं अभी, तो मतलब अभी इसमें ये कवर अप करेंगे पूरा, भी खाली है ये, अभी बना रखा है ऐसी, तो उसको बाद में कवर अप करेंगे। ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं अब ऊपर क्या बन रहा है, कौन सा रावण बन रहा है। देख रहे हो यहाँ पे रावण बन रहे हैं। कितने फुट के भैया ये? पाँच से छः फुट का रावण है। और उसका प्राइस क्या स्टार्टिंग? 1000 रुपये से स्टार्टिंग है प्राइस, मतलब स्टार्टिंग है 1000 रुपये से। और लास्ट कितना? लास्ट तो देखो, अलग अलग साइज जैसे बढ़ता रहेगा प्राइस भी बढ़ता रहेगा। आप लोग देख रहे हो जैसे कि साइज बढ़ता रहेगा तो प्राइस ही बढ़ता रहेगा, तो स्टार्टिंग प्राइस ही यार 1000 रुपये से है, तो और क्या चाहिए। तो आपको भैया का, आपको भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एड्रेस भी दे दूंगा, तो एंड तक जरूर देखो वीडियो। और भी है, आपको ऊपर भी ले जाऊँगा छत पर, तो छत पर अभी कवर अप हो रहा है, पेपर वेपर चढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ।
नवीन। नवीन नाम है भैया का। तो ये अभी क्या कर रहे हो आप? छोटे रावण थंबनेल के लिए और बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को तो। हाय, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर तो आओ। हाँ, एक पारी पारी कर दो। ये देखो, डर के मारे चला गया। आ जाओ, इधर आओ, गुस्सा। 1000 में 5 फुट मिल रहा है आपको रावण, तो जल्दी क्या है गाइस, फ़ोन करो और एड्रेस पे आओ और मैं आपको लिंक और एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंजॉय करो। और यहाँ पे आके बहुत मज़ा आने वाला है और मेरे को तो बहुत मज़ा आया। और सबसे पहले तो मैं इन लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि मेरे को वीडियो के लिए अलाउड किया और मेरे को मना भी नहीं किया। सो गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दो गाइस, बहुत मेहनत लगती है। हाँ, थैंक यू। तो आप लोग भी बोल दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू दीदी, बहन और भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके, और जल्द से जल्द आओ गाइस और यहाँ पे रावण वगैरह लेके जाओ। और बहुत ही अच्छे रेट में है, तो 1000 रुपये में यार क्या चाहिए, और डिस्काउंट भी हो जाएगा। और तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। सो गाइस, कभी भी आपको आना हो तो ये है आपका साहिब बैंड, और आपको मिलेगा यहाँ पे साजन बैंड, इंडियन फेमस। और सामने ये है साहिब बैठ करके, और रावण आपको भारी दिख जाएंगे। और यहाँ पे कुछ रावण ऐसे लाइन से लगे हैं, तो मैं आपको सिनेमैटिक दिखाता हूँ पूरा। एंजॉय करो सिनेमैटिक।
मैं आ गया हूँ भैया के पास, और मैं आगे चलते चलते मेरे को बड़े रावण भी दिख गए, और मैं बड़े रावण दिखाता हूँ आपको कितने फुट के और क्या प्राइस है। तो भैया से पूछते एक बार, आप कितने फुट के है रावण? 40 फुट। ये 40 फुट का है, और इसका प्राइस क्या है? 500 फुट है। और मतलब ये कितना होगा फिर भी, कितने प्राइस होगा इसका? ये तो इसका प्राइस आपको वही पड़ जाएगा, 40 फुट का है तो वही 20,000। 15,000 तक आ जाएगा। तो ये 15,000 तक का आ जाएगा, 40 फुट का मतलब 15,000 तक का आ जाएगा है। तो अभी ये बना रहे हो, अभी इसमें पेपर वेपर नहीं चढ़े ना? कब से चढ़ेंगे? दो तीन दिन में सब चढ़ जाएगा। तो और इसमें जो बम पटाखे वगैरह लगाते हो, कहाँ, यहीं पे लगाते हो फिर? तो दूसरा आदमी आके लगाता है बम पटाखे, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये क्या है, छाती है इसकी? ये छाती है या क्या है? ये घाघरा है। घाघरा नीचे का शरीर है ना? ये नीचे का शरीर है, नीचे का है। तो ये छाती से नीचे का शरीर है। तो इसके ऊपर का शरीर कहाँ है भैया? तो इस भैया कह रहे कि इसका शरीर ऊपर का शरीर ये वाला है ना? ये सर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का शरीर कहाँ रखा है। ये सर है। तो ये ऊपर का सर है इसका, रावण का, और आगे भी है, और ये है छाती है। ये तो ये रावण का छाती है, और आगे भी है, और आगे भी दिखाता हूँ। तो आप लोग देख रहे हो, ये रावण का मुकुट है पूरा। और कह रहे 40 फुट का 15,000 में मिल जाएगा, 40-50 फुट का 15,000 में मिल जाएगा। तो 40 और 50 फुट का 15,000 में मिल जाएगा। मुझे तो इतना पता नहीं था, मतलब छोटा वाला तो सही मिल रहा है 1,000 रुपये में, और क्या चाहिए गाइस। तो बड़े वाले तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे तो आप लोग ले सकते हो यहाँ से। तो ये है रावण की छाती वगैरह, और आगे भी पूरा बना रख रखा है, कुछ ऐसे रावण बन रहे हैं आगे। पेपर वगैरह कह रहे हैं, पेपर वगैरह अभी 2-3 दिन में चढ़ेंगे। और मैंने जहाँ पे अभी गया था छोटे रावण में, वहाँ पे थे, तो वहाँ पे पेपर वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो रेडी भी हो गए थे 2-3 रावण, तो रेडी हो गए थे, आप लोगों ने देख लिया होगा। और बहुत चीज़ थी देखने को वहाँ पे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और बहुत रिस्पेक्ट दी उन लोगों ने, तो उन लोगों को थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किया हमें, पूछा कि क्या खाओगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो गाइस कुछ ऐसे रावण है, ये है सर है रावण का, ये आँख दिख रही होगी आपको ऊपर, ये आँख है, और ये सर है। योगेन मतलब है 40 या 50 फुट का है, तो 15,000 में मिलेगा। तो मुझे तो इतना पता नहीं है ना, तो देख लो गाइस आपको कैसा लगा, मतलब 15,000 में मिल रहा है 40 फुट का। तो आप लोग आओ यहाँ पे लेने, और मैं पूछता हूँ एड्रेस वगैरह कहाँ है। और छोटे रावण आपको चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे तो बहुत अच्छे रावण है, छोटे साइज़ के हैं मगर बहुत प्यारे हैं, और अच्छी फैमिली भी है वो। तो भैया ये एड्रेस कहाँ है? टिगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास है। कुछ मतलब छोटा मतलब एरिया वेरिया जो जिस लोग पड़ता है, तितारपुर पड़ता है। चलो भैया, और भैया बोलो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्या सब्सक्राइब करो। चलो भैया, थैंक यू भैया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और देखते हैं लोग आएंगे नहीं आएंगे, देखते हैं, और डिपेंड करता है कि 40-50 फुट का 15,000 में डिस्काउंट वगैरह तो हो ही जाएगा। डिस्काउंट करके तो आपको बता, अरे डिस्काउंट करके 15,000 में तो ऐसे रेट 20,000 का नहीं हो रहा है। 20,000 में तो महंगे मिलते होंगे ना 40-50 फुट के? 40 फुट के तो 20,000, उसका 500 रुपये के हिसाब से हो गया। हाँ हाँ, डिस्काउंट करके 15,000। मतलब रावण मतलब जितना बढ़ता जाता है हाइट, उतना रेट भी बढ़ते जाते हैं ना। देख लिया होगा जितना रावण बढ़ता रहता है, हाइट बढ़ती जाती है, उतना रेट बढ़ता रहता है। तो बस और क्या चाहिए गाइस, तो आज का ब्लॉग इतना ही था। तो आप लोगों ने देख लिया होगा पूरा रावण क्या मतलब कैसे बनता है, क्या बनता है। और आप लोग जरूर आओ यहाँ पे और विजिट करो, और 1,000 रुपये में मिल रहा है यार 5-6 फुट रावण, और क्या चाहिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा यहाँ पे, मतलब रावण वगैरह आपने देखे, और मैंने आपको प्राइस वगैरह सब बताया। तो मैं आपको नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर आओ यहाँ पे गाइस और विज़िट करो। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और मिलते सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप सपोर्टिंग मोर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय गाइस।